नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई रिक्रूटमेंट के साथ। ये जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों, ये भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में निकाली गई है और जो एंट्री है दोस्तों वो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन ऑनलाइन टेस्ट यानी एफकेट की है। अगर आप सारी डिटेल इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके 1 जून 2019 से लेकर 30 जून 2019 तक चलने वाले हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें वैकेंसीज की या फिर दोस्तों यहाँ पर जो है कोर्स की, तो ये जो कोर्स है दोस्तों ये यहाँ पर आपका जो है जुलाई 2020 में स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन इन फ्लाइंग ब्रांच और यहाँ पर जो परमानेंट कमीशन है दोस्तों एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन इन ग्राउंड ड्यूटी यानी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेज में है। अगर हम बात करें दोस्तों ब्रांचेज की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक्निकल। उसके बाद यहाँ पर वैकेंसीज भी आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो है एनसीसी के लिए फ्लाइंग एंट्री, उसके बाद दोस्तों मेट्रोलॉजिकल एंट्री, ये सारी जो है यहाँ पर एंट्रीज दी हुई हैं। अगर हम बात करें दोस्तों टाइप ऑफ कमीशन की, तो परमानेंट कमीशन फॉर मैन एंड एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मैन एंड वुमेन। अगर हम बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो यहाँ पर अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है 20 से लेकर 24 साल के बीच होने चाहिए। अगर आप दोस्तों यहाँ पर जो है ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज जो है 20 से लेकर 26 साल के बीच होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपकी जो है वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, इसका डायरेक्ट लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो आपकी जो बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं वो यहाँ पर जो है आपकी चाहिए, यानी आपकी जो फिजिकल बेसिक रहने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स जैसे कि हाइट वेट हो गया दोस्तों, ये अभी जो है इन्होंने नहीं बताया है, ये डिटेल नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों सैलरी की, तो फ्लाइंग ऑफिसर के रैंक पर आपकी जो सैलरी रहेगी 56,100 से लेकर 1,10,700 रुपए तक, लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको जो है सैलरी रहेगी और मिलिट्री सर्विस पे 15,500 आपको अलग से दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अदर अलाउंस भी आपको मिलेंगे जो कि डिफेंस सर्विसेज में मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और डिटेल भी इन्होंने दी हुई है कि आपकी जो है कंडीशंस यहाँ पर होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो आपका स्टेटस है दोस्तों वो अनमैरिड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको और जो है डिटेल दी हुई है, आप जो है ये देख सकते हैं। तो ये दोस्तों एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था इंडियन एयरफोर्स द्वारा एफकेट के लिए निकाला गया था। जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपकी डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिटेल्ड जो है आपका फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें गिवन होंगी, तो वो अभी जो है वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, यानी कुछ ही दिन में आपको आ जाएगा। पहले एक शॉर्ट नोटिस आता है, उसके बाद जो है डिटेल नोटिस आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबा दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर से आप अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।